मैं सभी आए हुए सेवाधारियों श्रद्धालुओं मंच पर उपस्थित मेरे साथ आदरणीय रोशनी माता जी, संत नरेश पारदा स्वामी जी, हीरो हिंदू हीरो गनवानी जी, जिन्होंने जिनके मन में आया कि गुरु जी आपके जीवन चरित्र पर मैं कुछ लिखना चाहता हूं, आप इतनी भोले की भक्ति करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं, तो मैं उसको एक पत्रिका में पिरो कर और आपके सभी भक्तों तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो इसको मैगजीन के रूप में सबके आगे लेकर आए। और बोलना की इच्छा हुई, मेरे मन में भी हुआ, मैंने इनको अपना ब्यौरा दिया और ये आज इस पत्रिका के रूप में आप सभी के सामने मूनलाइट टाइम्स पत्रिका उपस्थित है। भगवान शिव के संबंध में बहुमूल्य जानकारी और जो भी भोले के दरबार की ओर से सेवा कार्य होते हैं उनका ब्यौरा इसमें है। आप भी इसको पत्रिका का अध्ययन करके पढ़ के और भोले की भक्ति में डूबेंगे। हमारा सनातन धर्म तीन चीजें हमें सिखाता है, सेवा, सिमरण और सत्संग। भूख लगे और खाना खाना ये प्रकृति है, भूख नहीं लगे फिर भी खाना ये विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर भी किसी भूखे को खिलाना ये सनातन संस्कृति है। यही सनातन संस्कृति सिखाती है और ये केवल उसी के मन में भाव आ सकता है जिसके मन में सेवा कूट कूट कर भरी हो, क्योंकि शिव सेवा का मार्ग सिखाते हैं। क्या है शिव जी के पास, बैठे एक चट्टान पर ना अपना घर है लेकिन सोने की लंका देने का सामर्थ्य रखते हैं। सोना स्वयं नहीं धारण करते लेकिन सोने की लंका भी प्रदान कर देते हैं। कुछ ना होते हुए भी जो सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता हो वही शिव होता है। तो शिव जी हमें सेवा का मार्ग सिखाते हैं, सनातन धर्म हमें सेवा का मार्ग सिखाता है। एक बार की छोटी सी कथा बताता हूं। पांडवों ने प्रीति भोज का आयोजन रखा, आसपास के सभी राज्यों में सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया स्नेह भोज के लिए, सभी पधारे। भगवान श्री कृष्ण भी आमंत्रित थे लेकिन भगवान कृष्ण को वहां पहुंचने में बहुत विलंब हो गया। जब तक सारे राजा महाराजा भोजन कर चुके थे, अंत में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और जैसे ही वो पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए उठकर सारे पांडव उनके स्वागत के लिए चले गए। जैसे ही पांडवों ने दौड़ लगाई भगवान द्वारकाधीश का स्वागत करने के लिए, तो अन्य जो भी राजा महाराजा वहां बैठे थे उनके मन में एक भाव आया कि अब द्वारकाधीश आ गए हैं तो हमारी रंगत फीकी हो जाएगी, क्योंकि पूरा पूरा मान सम्मान इसे इन्हीं को प्राप्त होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने आते से ही सबके चेहरे पढ़ लिए और पांडवों को कहा कि भाई, पांडवों ने कहा कि आप इतना विलंब से आए हैं और ऐसा। उन्होंने कहा है भाई, मेरे घर का कार्य है, मैं तो क्षमा चाहूंगा कि मैं देरी से आया। चलो बताओ क्या काम करना है, खाना तो बाद में खा लेंगे, सेवा क्या है? पांडवों ने कहा सेवा कुछ नहीं, हमें आपकी सेवा करनी है। बोले नहीं नहीं, ये मेरे घर का कार्य है और सेवा मुझे करनी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा चारों ओर दृष्टि घुमाई, खाना बनाया जा चुका है, खाना परोसा जा चुका है, खाना खाया जा चुका है, सब चीजें जो भी भेंट करनी थी सबको दी जा चुकी है, जब उनको कोई सेवा शेष हाथ नहीं लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी की पड़ी हुई झूठे पत्तले उठाकर और एकत्रित करने की सेवा अपने हिस्से में ले ली कि चलो ये सेवा मेरे लिए बची है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। मैं आप सभी का आभारी हूं, आपने अपने अपने सिरे से जैसी भी सेवा आपने प्रदान की है, जिस शिव महापुराण कथा को हर कथा में आपने अपना सहयोग देकर, अपनी उपस्थिति देकर, पांचों दिन कथा को श्रवण करके और तन मन धन से अपने भाव से जो आप भोले की भक्ति में डूबकर सेवा करते हैं,
यही सेवा शिव की सेवा है, यही सेवा राम की सेवा है, यही सेवा कृष्ण की सेवा है। और इसी भाव से समर्पित होकर आप आगे भी सेवा करते रहिए। दूसरी बात, सेवा माता पिता ने अपना कर्तव्य निभाया, हर किसी ने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया है, लेकिन सच्ची सेवा माता पिता की है। जीते जी उनकी सेवा करते रहिए। सारे 3 करोड़ तीर्थ उनके चरणों में है। अभी कल परसों ही मैंने एक कुछ जारी किया था कि अगर कोई कहे कि तुमने भगवान को देखा है तो लड़के की चोट पर कहना कि हाँ देखा है, और कहे कि मुझे भी दिखाओ तो कह देना अपने माता पिता को देख लो, वही भगवान है। उसी में कृष्ण प्रसन्न है, उसी में राम प्रसन्न है, उसी में शिव जी प्रसन्न है। कथा में कभी नहीं आ पाए मत आइए, लेकिन सेवा जरूर कीजिए। सेवा का मार्ग ही शिव दिखाते हैं, सेवा का मार्ग ही राम दिखाते हैं, और हमारा सनातन धर्म इन्हीं संस्कारों के कारण ही विश्व गुरु बना है हमारा भारत। क्योंकि हमारे भारत के अलावा ये चीजें कहीं और देखने को नहीं मिलती, और अगर देखने को मिलती है तो उनको ज्ञान देने वाला भी हमारा सनातन धर्म और हमारा भारत ही है। मैं अभी सभी आए हुए जो भी हमारी माताएं बहने हैं, भाई बंधु हैं, सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि आने वाली जो भी शिव महापुराण की कथा, अभी कोई हमारी तिथि निश्चित नहीं हुई है, लेकिन शिवरात्रि के नजदीक नजदीक हम कथा का आयोजन रखेंगे। मैं अभी से आप सभी लोगों को फिर से सादर आमंत्रित कर देता हूँ उस कथा के लिए। जैसे ही आपको सूचना मिले तो तन मन धन से अपनी सेवा, अपनी उपस्थिति उस कथा में भी देंगे। और एक बार पुनः सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मैं केरल वालों से निवेदन करूंगा कि वे आए अपने साथियों के साथ सम्मान ग्रहण करें। शिवराम जी क्या आदेश है? देखिए मार्च माह में 8 मार्च को शिवरात्रि पड़ रही है, और हमारे भोले के दरबार का ये विचार है कि शिवरात्रि के नज़दीक नज़दीक हम लोग एक भव्य शिव महापुराण कथा का सप्त दिवसीय एक सप्ताह का आयोजन करेंगे, और उसमें साथ ही 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भी हम आयोजन करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसमें यदि प्रभु इच्छा मिलेगी तो ये शीघ्र ही कार्य संपन्न होगा। हम इस कार्य में बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और इस कार्यक्रम में कहीं भी मुझसे कोई कमी रह गई हो किसी के सम्मान में, किसी को याद करने में, तो मैं क्षमा का प्रार्थना। जय श्री माता, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आनंद की जय। ये हमारा एक परिवार है, हमको परिवार बन के साथ में रहना है। हर शिव महापुराण की कथा मैं चाह रहा हूँ, ये भी जो शिवरात्रि पर कथा हो वो ऐसी भव्य हो, ऐसी विराट हो कि पिछली जो भी कथाएं हैं उन तीनों चारों कथाओं का जो मिलकर है वो इस कथा में हमें सबके सामने आए। अच्छी कलश यात्रा, अच्छा भगवान की 11 लाख शिवलिंग निर्माण कराने का भी मन में विचार आया है, तो वो निर्माण करते करते कथा भी सुनेंगे और फिर उनकी जो है यात्रा भी यात्रा लिंग जो है तो वही देख सकते हो।